गाइज मेरे यहाँ पे लग गए, ब्लड निकल रहा है बहुत सारा। ऐसा है जो बेवकूफ आदमी है ना वही है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी? होप करते हैं ठीक होंगे। हम भी ठीक है, मैं ठीक हूँ। मस्त राम जी बीमार है, इनको कल रात को भी बुखार आ गई थी पर अभी ठीक है थोड़े बहुत। और गाइज अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। सुबह से मैं तो उठ के फ्रेश व्रेश हो ली, नहाऊंगी अब। सुबह सुबह चाय वाला आया था तो हमने चाय भी नहीं पी, अब नाश्ता करने जा रहे हैं डायरेक्ट ही। ठीक है तबीयत? हाँ सही है, आज छाती दुख रही थोड़ी सी, काशी बाकी जुकाम में फायदा। बर्फ के मजे ऐसे ही है। क्या कहना चाह रही है? बर्फ के मजे ऐसे ही है, मतलब बर्फ में ऐसा ही था। ए में भी उठ रही है शायद। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अब ठीक है आपकी तबीयत? एकदम ठीक है। आप भी बीमार हो गए? मस्तराम जी बीमार हो गए थे। क्या करें, तो यहाँ का प्रकोप छा गया हमारे ऊपर। और आज कहाँ का टूर करेंगे फिर? आज का प्लान अभी बनाएंगे। हाँ मस्तराम जी बताइए कहाँ का प्लान करते हैं। ब्रेकफास्ट करते करते बात करेंगे सब मिलके। करते चलो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। बेबी उसमें है, उसमें उसमें है ना बेबी, नहीं दिखा तेरे को? गुड मॉर्निंग मनाली भाई, मैं उठ गया था, मैं थोड़ी डाउन सी हो गई थी बट अब ठीक सी लग रही है मेरे को। थोड़ा सा बाहर का सीन दिखा के जाता हूँ आपको। धूप से भी निकल गए और बहुत अच्छा सीन हो रहा है। और गाइज ये जो पेड़ है, मैंने कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ, ये पेड़ है सेब के, और सेब आ भी रखे हैं देखो गाइज। और गाइज आप नोटिस कीजिए, सेब आ रखे हैं, छोटे छोटे सेब आ रखे हैं। अभी मैं जाऊंगा गाइज नीचे, यहाँ होके जाऊंगा नीचे, तो और भी चीजें आपको नीचे जाके एक्सप्लोर करवाऊंगा। आज हम लोग बर्फ में नहीं जाएंगे, आज हम लोग करेंगे एडवेंचर। अंकिता जी आ जाओ, बेबी को कपड़ा पहना लो और ब्रेकफास्ट करके आते हैं, ठीक है? गाइज आज के ब्रेकफास्ट में दही दलिया और आलू के पराठे और चाय, सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून, दिन के 12 बज गए, मेरी अच्छी तबीयत हो गई थोड़ी। अब हम लोग आपको कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करवाते हैं, नई चीजें आपको दिखाते हैं कि इधर है क्या। विष्णु साथ है, हम जा रहे थोड़ा नीचे। नीचे का रास्ता आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है। इधर है सेब के पेड़। गाइज इधर के जो लोग हैं पर्सनल विलेज लाइफ जीने वाले, उनका भी थोड़ा लाइफ शेयर करेंगे आपसे। गाइज मैं बता दूं आपको, इधर ये जाली लगी हुई है ना, आप देख सकते हो इधर सेब के पेड़ है बहुत सारे। और ये जाली इसलिए लगा रखी है क्योंकि ये मतलब जैसे अपने राजस्थान में होते हैं ना भाई, मेरी जमीन है ये। और गाइज ये देखो लकड़ी, लकड़ी के बनाते हैं यहाँ पे घर, थोड़े से पत्थर लगाते हैं और फिर उसमें लकड़ी शामिल कर देते हैं लोग, इसलिए तिरछे घर बनते हैं इनके। और गाइज अंकिता का ड्रेसअप कुछ आज इस प्रकार का है, पूरी ढकी हुई है एक ही शर्ट में, क्या बोलते हैं इसको? गाइज ये पेड़ आप देख रहे हो, ये है सेब का पेड़। आपको लग रहा होगा यार पेड़ तो सूखा है, लेकिन ये पेड़ सूखा नहीं है, इसके पत्ते खर गए हैं बर्फ की वजह से। तो इन पे सेब वगैरह कब आते हैं? ये सेब आएंगे अभी, जैसे इनकी गुड़ाई चल रही है जड़ों की, हाथवा डाल देंगे इनमें, और जो छोटी छोटी टहनी है ना इनको उठा देंगे। इनको उठाने के बाद जो नई फूटिंग आएगी तो उसमें फल अच्छा आएगा और सेब बहुत ज्यादा आएंगे उसमें। आते हैं सेब? हाँ अभी अभी देख रहे, चार पांच आ भी रहे थे छोटे छोटे, टूट गए अभी। गाइज मेरे यहाँ पे लग गए, ब्लड निकल रहा है बहुत सारा। क्या है पागल है क्या? और गाइज ये पर्सनल इनके घर है, आप देख सकते हो इनकी लाइफ, मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा। अभी तो थोड़ा और नीचे जाएंगे और आपको बताएंगे, किसी ना किसी से बात करेंगे, बात करते होंगे ना ये लोग। और गाइज मैं बता दूं यहाँ पे जो घर है ना, ये सारे घर लकड़ी के ही बने हुए हैं। दोस्तों देखो मैं जैसे नीचे जा रहा हूँ और सेब की खेती मिल रही है हम लोगों को, इधर यही खेती देखो, गायों को बांध रखा है। इधर सेब का व्यापार ज्यादा है ना, जो अपने राजस्थान में जर्सी गाय बोलते हैं वो गाय ज्यादा है यहाँ पे। सो गाइज एक अंकल दिखे, इनसे बात करते हैं जाके। देखो गाइज ये अंकल पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं। अंकिता धीरे से चढ़ना, गिर मत जाना तू, धीरे धीरे खींच। नमस्ते अंकल, कैसे हो अंकल? बढ़िया जी। हिंदी आती है अंकल? हिंदी आओ। इधर की विलेज लाइफ बताओ कि भाई इधर के लोग, गांव के लोग कैसे जीते हैं, खेती में क्या करते हैं, कमाई क्या है, ऐसी चीजें बताओ तो हमारे लोग देखेंगे ना, हमारे राजस्थान के लोग, तो उनको अच्छा लगेगा कि इधर के लोग। अब हमारे तरफ क्या बोलते हैं कि और उधर तो पहाड़ है, बहुत अच्छी लाइफ है, कुछ नहीं, कोई कमाई नहीं, जैसे नहीं जैसे बाहर से टूरिस्ट आता है, कोई गाड़ियां है इनके पास, कोई ऐसे कोई ट्रैफिक में चला जाते हैं। होटल वाले कमाते होंगे? हाँ कहीं होटल में लग जाते हैं। इधर खेती नहीं है? खेती जैसे ये है, खेती मतलब जैसे एप्पल के पेड़ हैं, बस यही पेड़ अब इन्होंने किसी ने मतलब 1 लाख के बेच लिए, 1.5 लाख के बेच लिए। आपकी तरफ भी किसान है ना? हाँ। कोई मतलब 50,000 कमाता है गरीब बेचारा, कोई लाख कमाता है, कोई करोड़ों भी कमाता है। हाँ। इधर महंगाई भी तो ज्यादा है ना काका? नहीं नहीं यहाँ महंगाई कुछ नहीं है। नहीं है? जितनी आपकी महंगाई है उतनी है। आपके चाय कितनी मिलती है? चाय 5 रुपए की, 10 रुपए की, यहाँ भी तो 10 रुपए ही मिलती है। नहीं अंकल बहुत जगह 20-20-30-30 रुपए की। ये तो लूट मार है, जब मैं जाऊंगा तो मैं तो 10 रुपए के साथ पीऊंगा, आप जाएंगे तो आप 20 की पियेंगे। हाँ। बोलेंगे बाहर से टूरिस्ट आए। हाँ, हाँ, आपको ये नहीं बोलेंगे कि भाई आप दिल्ली का बंदा ही है, ये मतलब या
गोए का ही है या कलकत्ता का या मद्रास का ही है चाहे यूपी बिहार का है। सही बात है। और अंकल जैसे ये लोग पहाड़ पे रहते हैं तो इनकी जिंदगी कैसे रहती है, जैसे पहाड़ पे पैदल जाते हैं या कुछ कारें मोटर जाती है ऊपर? जैसे ये जहाँ तक मकान है वहाँ तक गाड़ी जाती है, गाड़ी हर घर के सामने गाड़ी जाती है। गाड़ी। बहुत घर ऐसे है ना काका जो गांव में पहाड़ों में पैदल पैदल जाते लोग घास लेने, ऐसा कोई यहाँ कोई भी कल्चर नहीं मिलेगा। अच्छा, आपका मकान है आपके मकान तक गाड़ी पहुंची है, बड़ी गाड़ी तो नहीं जाती है, छोटी गाड़ी जाती है। और जैसे बरसात का कैसा माहौल रहता है इधर, डर नहीं लगता लोगों को पहाड़ ढह जाए पत्थर गिर जाए? हमें कोई भी यहाँ डर का कोई माहौल नहीं है। चीज़ बताओ, जैसे ये पहाड़ ऊंचा है यहाँ से पानी जाएगा नीचे जो नीचे घर है उनको समस्या नहीं आती? जो बेवकूफ आदमी है ना वही है, समझकार आदमी है उधर ही बने। इस साल भी जो जितनी बाढ़ आई और जिसने करोड़ों रुपए जो है नदी के किनारे में लगा के रखे है घरों में, मतलब घरों को है, तो उसको पता नहीं है कि भाई यहाँ से जो नदी आएगी, ये नदी ऊपर से स्टार्ट हुई है सोलंग नाले से, यहाँ का नाला बढ़ेगा, यहाँ की नदी बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी बड़ी, उधर से भी चलेगी, ये भी बढ़ेगी, मतलब चारों तरफ का पानी आएगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ इधर चावल भी होते हैं अंकल? चावल पहले होते थे, अब बीजते नहीं। अच्छा, और जैसे फल में जैसे सेब के अलावा और क्या चीज? और कुछ नहीं होता है यहाँ, ओनली सेबी तो ये चेहरे की कमाई है, बाकी दो तीन गाड़ियाँ रखी है टूरिस्ट घुमाने के लिए, तो बाकी ये होटल बना रहे हैं लोन पर। और ये तो पैसे वालों का काम है ना सर, जो गरीब आदमी है उसकी जिंदगी कैसी है? उसकी जिंदगी ऐसी है कि ये होटल में काम करता है, कुछ थोड़ा मजदूरी करता है। ओके, जैसे ये पशु है पर यहाँ पशु का जैसे डेयरी पे दूध देना वगैरह भी करते हो? ये यहाँ डेयरी डूरी का कुछ खुद करते हैं, होटल में दूध देते हैं। इनका खाने का घास फूस कहाँ से लेके आते हो? ये जो जमीन में हो जाता है। अच्छा हाँ, ये और रखा है ना, ये खिला देते हैं, पहाड़ों में घास की कमी नहीं है। ऐसे जैसे अपन गैस पे रोटी बनाते हैं तो यहाँ पे ये भी सुविधा होगी ना, किसी भी लकड़ी को तोड़ के उसी पे चूल्हे पे ऐसे बनाते हैं कि गैस पे बनाते हैं, गैस में भी बना सकते हैं, जंगल से लकड़ा ला सकते हैं, लकड़ी की तो खूब सुविधा है यहाँ पे। आजकल ऐसा हो गया है बहन जी, मतलब दुनियादारी ऐसी हो गई है कि भाई अच्छा ही कल्चर करना है हमने, और लकड़ी जलानी चूल्हा जलाना, वो पुराना वाला स्ट्रगल खत्म हो गया, सारा अभी नया डिजिटल हो गया सब कुछ, मेला हो जाना, कपड़ा मेला हो जाना है, इसलिए जो चूल्हा नहीं जगाना और फट जाना, जूते के साथ ही जाना और गैस को ऑन करना। और ये जो पत्थर तोड़ रहे हो अंकल, तो ये कितने घंटे तोड़ना होता है, कितना पैसा मिलता है इसका? ये तो मैं सुबह से लगा है शाम तक लगना है। कितना पैसा मिलेगा फिर इसका? जो एक पीस जो है 10 रुपए का पड़ेगा, ये पीस पड़ेगा इस नहीं, आपकी तोड़ने की मजदूरी किस हिसाब से, पीस के हिसाब से? पीस के हिसाब से। अच्छा, तो जैसे 100 पीस तोड़ दिए तो 1000 रुपए हो गए, तो आप दिन में कितने तोड़ देंगे? बस इतना कर लगभग बड़े मुश्किल के साथ 100 तोड़ देंगे ना, बहुत मेहनत मारनी पड़ती है, काटना पड़ता है, छोटा बनाना पड़ता है। काटते इनसे काटते हो? हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार 100 पीस तो यूं ही काट देते होंगे, भाई साहब 100 पीस काटने में रात हो जाती होगी आपको? नहीं, मतलब 4 बजे तक काम करना फिर चल जाना पड़ता। अच्छा, सही बात है। सुबह आपका खुद का घर है इधर? नहीं किराए से रहते? प्रॉपर मंडी से हूँ। एक चीज और पूछते हैं अंकल आपसे, जिधर मतलब हमारे राजस्थान में गेहूं की रोटी होती है, पंजाब हरियाणा में मक्के की रोटी, सरसों का साग, तो इधर जैसे स्पेशल बाजरे की रोटी गेहूं की, तो आपको इधर रोटी, इधर स्पेशल रोटा क्या होता है, क्या खाते है ज्यादा? ये चीजें तो आप भूल गई है सारी, अब बाजरा भी भूल चुका है, मतलब यानी के गेहूं भी मतलब थोड़ा खत्म ही हो गया यार यहाँ, अब नीचे से मतलब मील से चक्की से आटा आता है तो उसको खाते हैं। अंकल जो थैले में लटका हुआ है कुछ, इसमें क्या है? इसमें जो है मतलब पानी डाला गया है। अच्छा, तो फिर फूल लाए कहीं से क्या, इसी के फूल निकाल लिए और वो डाली इसी में डाल दी, और फिर जो है इसको इसमें लटका दिया, तो इसमें ऐसा है कि भाई जितने कर फूल है इस लगाने से ज्यादा फूल आएंगे। अच्छा, ऑटोमेटिक ज्यादा फल आएंगे, ज्यादा आएंगे। गाइस सारे पेड़ों पे लगा हुआ है ये सारी है। और देखो हर पेड़ पे कंजी भी है। राइट गाइस, इधर जो भी होता है हमने थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा दिया, अब हम लोग होटल खाली कर रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं तो अब एडवेंचर करेंगे हम खतरनाक वाला, तो वो वीडियो भी आप देखना, इधर की चीज़ हमने आपको दिखा दी, कैसा जीवन निकालते लोग,
क्या होता है इधर, क्या खेती होती है, क्या खाते हैं। चलो आ जाओ अंकिता जी, लेट हो रहे हैं। आपके पीछे का व्यू इतना सुंदर आ रहा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। गाइस जो मकानों के ऊपर चादर है ना इस प्रकार से लगा रखे हैं, ये क्यों लगाते हैं आपको पता है? मैं बताऊं कि अगर इसे समतल रहे ना समतल, तो उसमें बर्फ गिरेगी तो वहीं रुकी रहेगी। ये चादर इस तरीके से लगाते हैं तो बर्फ गिरेगी फिसल जाएगी, नीचे चल जाएगी। राइट, देखो इसके ऊपर पत्थर नहीं, इसके ऊपर पत्थर कितने शानदार तरीके से लगाए हुए। ये देखो ये लकड़ी का बना रहे हैं, और देखो गाइस लकड़ी का, ये सब लकड़ी के है बट थोड़ा थोड़ा पत्थर लगा के चादर लगा के अलग कर देते। गाइस दिन के बज गए एक, होटल खाली करने का टाइम हो गया हमारा। अब हम लोग निकल रहे हैं एडवेंचर करने के लिए, बोल रहे सब लोग, देखते कहाँ जाते हैं। हमारे सामान पहुंच गए, भैया ले गए। ठीक है अंकिता जी, आप एमी को लेकर चलो, मैं मोबाइल चार्ज लग रहा है, तो चार्ज लगा के तो निकलता हूँ।